हमारे साथ लोजपा के नेता और धीरू शर्मा जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। पहले भी हमने इनकी खबरें आपको दिखाई थी प्रमुखता से, जिस तरीके से इन्होंने जब लोजपा दो गुटों में बंटी थी उसके बाद से ही जिस तरीके से विवाद हुआ, और कल यानी जिस तरीके से समर्थन पूरे बिहार से चिराग पासवान को मिला है, वो भीड़ देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। धीरू शर्मा जी, जिस तरीके से आप लोग कल यात्रा निकाले थे, आशीर्वाद यात्रा, क्या इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस भीड़ का? इस भीड़ का एक ही अंदाज़ा है कि पूरे बिहार की जनता आशीर्वाद देने के लिए व्याकुल है चिराग जी को। चिराग जी बिहार के भविष्य हैं, यही अक्स लोगों को नजर आ रही है। इसलिए सारे जनता जितना पहुंच सके, दूरी रहने के कारण बहुत सारे लोग नहीं आ पाता है सुविधा के ख्याल से, लेकिन जो जन समर्थन मिला उससे यह स्पष्ट हो गया कि चिराग जी ही बिहार के भविष्य हैं, और जो ये साजिशकर्ता मुख्यमंत्री हैं इनके कुर्सी को घिसका सकते हैं। लेकिन इस भीड़ से जो कई ऐसे खेमे हैं, चाहे कई ऐसी पार्टियां हैं, अब उन्हें भी लगता है ऐसा डर हो रहा है क्या? डर तो है ही है, अगर डर नहीं रहता तो आप लोगों कवरेज भी किए हैं। जो गाड़ी यहाँ आई थी जन समर्थन में, जनता को यहाँ से हाजीपुर तक जाना था और वहाँ जयंती समारोह मनाना था, श्रद्धांजलि देना था। एयरपोर्ट के अंदर भी गेट को बंद कर दिया गया, इनको निकाल कर सैकड़ों गाड़ी वहाँ फंसी रही। उसके बाद से इधर तितिर बितिर करने के ख्याल से बैरिकेटिंग लगा दिया गया, सैकड़ों गाड़ी उधर फंस गई। उसके बाद हाजीपुर में देखे होंगे कि इनके गाड़ी निकलने के बाद रोड बनाने के लिए हाईवा और जेसीबी का वहाँ पर लगा दिया, करीब करीब दो घंटा वो जाम रहा, पीच का काम कल ही होना था। ऐसे परिस्थिति में उनकी रूट चार्ट आई थी, उसमें स्पष्ट था लिखा हुआ कि एयरपोर्ट से उतरकर हाईकोर्ट अंबेडकर जी के माल्यार्पण करेंगे, लेकिन उसकी ताला तक नहीं खुली। आप लोग धरने पे भी बैठ गए थे? जी जी, धरना तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो हम तो लाठी चला नहीं सकते हैं। हम ऐसे दल के तो लोग हैं नहीं कि लाठी चलाएंगे, हम लोग तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से धरना पर बैठ के ही। लेकिन लोजपा कार्यालय पर कब कब्जा होगा, क्योंकि महल जो है अभी किसके में चाबी है महल की, वो कैसे कह सकते हैं कि आपकी चाबी, आपके महल की चाबी आपके पास है? देखिए, मकान या महल जो भी मेरा है, कोई असामाजिक तत्व कुछ देर के लिए उसको कब्जा कर ले या घुस जाए तो उसका नहीं हो जाएगा। हम यहाँ के न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह बंगला मेरा ही था। अंतिम सवाल धीरू जी, क्योंकि आपने मांग की है, प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा है, वो लेटर हमारे दर्शक को दिखाएं कि इन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है इस लेटर के माध्यम से कि दिवंगत रामविलास पासवान जी की प्रतिमा जो है वो गए जिले में ही लगाया जाए, इस तरीके की क्या है मांग? नहीं नहीं, मेरी मांग दो मांगे हैं। प्रधानमंत्री जी को मैंने भारत रत्न के लिए लिखा है, ठीक है, और परशुराम चेतना मंच के हम राष्ट्रीय संयोजक हैं, धीरेन्द्र कुमार और धीरू शर्मा, और मैं अपने मंच के माध्यम से पत्र लिखा हूँ प्रधानमंत्री महोदय का, और उनसे मांग किया हूँ कि भारत रत्न हमारे जो भारत में दूसरे अम्बेडकर कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अति शीघ्र भारत रत्न से अलंकृत किया जाए। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री से और भारत सरकार के जितने भी तंत्र हैं जो इस प्रक्रिया के लिए हैं और जो इसका संविधानिक रूप है कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है संवैधानिक रूप में कि किनको दिया जाएगा, कि कोई राजनीतिज्ञ, कोई विचारक जिनको कि उत्कृष्ट कार्य किए हों, देश का गौरव बढ़ाए हों, उनको यह सम्मान दिया जाता है। और हमारे रामविलास जी दलितों के उत्थान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में उनका राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कास्ट स्पष्ट दिखलाई देता है, इसलिए प्रधानमंत्री मेरा हाँ कर्म जोड़कर अनुरोध है कि इनको भारत रत्न दिया जाए। और ये मेरी मांग नहीं है, यह प्रतिमा भी लगाने की मांग है, और मैं पूरे बिहार में आदमकद प्रतिमा रामविलास जी का लगवाना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत मैं गया से कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी जन्मभूमि गया है और मैं चाहता हूं कि हम अपने जो पूजनीय हैं उनका वहां पर अंबेडकर पार्क है उसमें अपना आदमकद प्रतिमा स्थापित करूं निजी कोष से। तो देखिए, साफ तौर से जो धीरू शर्मा हैं, धीरेंद्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा लोजपा के नेता हैं, और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो भारत रत्न उन्हें दिया जाए, और जो उन अपने
कोषागार से यानी अपने फंड से वो गया जिला में उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री को उन्होंने बेजाब्ते पोस्ट कार्ड से लेटर भेजा है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। और अब देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उन्हें भारत रत्न दिया जाता है या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान ने भी मांग की है और वो प्रतिमा लगाने की बात जो कह रहे हैं वो लगा पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें दर्ज न्यूज़ के साथ और देखते रहें।